तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि आज जो है 23 जून को ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है एचएनबी गढ़वाल की तरफ से। तो इसकी फुली शॉर्ट आंसर के लिए कहें, सभी आंसर का आपको बिल्कुल सटीक आंसर बताएंगे जिसमें आपको कोई भी गलती देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे एक से लेकर और जितने भी क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पे स्टेपिस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, रक्त समूह वाले व्यक्तियों में को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, तो कौन सा है वो? तो उसको ओ को देखिए यहाँ पे डोनर कहा जाता है यूनिवर्सल, और ए बी को एक्सेप्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 1 कैलोरी इज इक्वल टू, तो 1 कैलोरी जो होती है वो किसके समान होती है? तो वो होती है 4.18 जूल की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, ध्वनि सबसे तेज़ यात्रा करती है, तो ध्वनि जो होती है सबसे तेज़ होती है वो स्टील में करती है। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किसका उपयोग करना चाहिए? तो मायोपिया से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का यूज करना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, सीएनजी में मुख्य रूप से शामिल है, तो सीएनजी में ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन ये सभी होती हैं, तो सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है? तो चिकन पॉक्स जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो है डिवाइड किया गया है तो 2 भागों में, गढ़वाल और कुमाऊँ में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, इनमें से क्या वायरस के कारण नहीं है? तो वायरस के कारण जो है वो टाइफाइड नहीं होता, क्योंकि टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके अलावा हम बात करें तो एचआईवी, हेपेटाइटिस, डेंगू बुखार ये सभी के सभी वायरस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय मुद्रा में इसकी राशि लिखी जाती है, तो ये कितने भाषाओं में लिखी जाती है? तो ये 17 भाषाओं में लिखी जाती है। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विश्व थायराइड जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये कब मनाया? तो ये मनाया था 25 मई को। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे खासी किस राज्य की मुख्य भाषा है? तो ये है नागालैंड की, क्योंकि खास सॉरी जो ये है मेघालय की, क्योंकि खासी जयंती हुई, ये पहाड़ियाँ भी वहीं पर हैं मेघालय में, और जो भाषा भी है वो यहीं बोली जाती है मेघालय में। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड में क्षेत्रवार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली फिल्म, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गोल्ड। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, यहाँ पर बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में जाता है। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है? तो कंप्यूटर में जो रैम होती है वो मदरबोर्ड में स्थित होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे सभी के सभी जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर आप देखें तो ये 6 से लेकर 10 तक भी पूछे गए एनसीईआरटी में, ये चैप्टर भी है। तो उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद है वो ग्लास बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियाँ के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। उपनिषद हैं, तो उपनिषद जो होते हैं ये दर्शन यानी फिलॉसफी की पुस्तकें हैं। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, पहला भारतीय शासक कौन था जिसका भारत से बाहर का क्षेत्र था? तो कौन था वो? तो उसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो रंगीन पूछा गया है, तो वह है किसान कन्या, जो कि 1935 में आई थी, सॉरी 1937 ईस्वी में आई थी ये। नेक्स्ट यहाँ पर, किस पार्श्व गायक को भारत रत्न देश का के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वह है यहाँ पर लता मंगेशकर को। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान के भाग यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 में कौन सा है? तो देखिए 17 में वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो राजभाषा के बारे में दिया गया है, और 18 में जो है वो आपातकालीन प्रावधान दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो जाता है इसके साथ ज़्यादा आंसर वो यहाँ पे ए से जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो गलत दिया गया है। इसका हम आपको दिखाते हैं, आपको इसका प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर आप इसको गौर कीजिए, यहाँ पर 10th, 5th, 15th, 16th, 17th दिया गया, और 17 में आपको दिखाते हैं हम क्या चीज़ है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर,
ये देखिए यहाँ पे ये है आपका 10, 15, 16, 17। तो 17 में देखिए राजभाषा के बारे में दिया गया, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 आता है। आपातकाल जो है वो 18 में आता है, भाग 18 दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर तो इस वजह से इसका जो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सभी को अगर आपने टिक किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें आप सभी को आंसर मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर जो आंसर अगर सही आता है तो आपातकाल पर जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ए वाला तो ऑप्शन वैसे इसका है नहीं, लेकिन ज़्यादातर अगर इसका राइट आंसर भी आता है तो ए पर जाएगा। शायद यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई हो। तो आप देख सकते हैं 17 में वैसे राजभाषा है, लेकिन आपके पेपर में इसका राजभाषा नहीं दिया गया था, तो इसलिए हम उस आंसर के साथ ज़्यादा। तो देखिए वैसे इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, लेकिन हम इसको अभी ए आंसर को जो है उसको हम सही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि राजभाषा था वैसे सही इसका, लेकिन है नहीं, तो हम इसलिए हम ए पे जाते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है, तो न्यूनतम आयु कितनी है इसके लिए, जो मिनिमम जो एज है वो कितनी है, तो वो है यहाँ पर 25 वर्ष। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर लीवर, यानी बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी शुरुआत की थी 1901 में, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। महात्मा गांधी ने भारत के किस स्थान में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये कहाँ पे किया था, तो ये किया था चंपारण से, और पता होना चाहिए कि 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट टाइम पर विश्व जल दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था 22 मार्च को, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था, 1919 में, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय धरोहर पशु है, तो वो है यहाँ पर हाथी, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस सिटी को यहाँ पर सन सिटी के नाम से जानते हैं, तो सन सिटी या फिर अगर हम बात करें ब्लू सिटी, एक ही को कहते हैं, और वो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी जो है वो जोधपुर, इसी को सन सिटी, और इसके अलावा इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है, तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का कौन जो होता है, तो उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का यहाँ पर होता है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे भीमराव अंबेडकर, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके आपने देखा होगा कुछ समय पहले ये निकाली गई थी जब 10th 12th के यहाँ पे एग्जाम हो रहे थे, ताकि बच्चों में जो है वो एग्जाम का डर जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो गुरुदेव की जो उपाधि दी थी ये दी थी महात्मा गांधी ने, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर, तो विश्व का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो है यहाँ पे इनियक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में धौली गंगा प्रोजेक्ट है, तो ये है यहाँ पे धारचूला, धारचूला पड़ता है पिथौरागढ़ में, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, गन्ने में चीनी का कॉर्न सिरप की तुलना में मीठा होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है फ्रक्टोज की वजह से, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो भारत के सबसे ज़्यादा आपको पता चाहिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जितने की ऑस्ट्रेलिया की है, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत के दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है, तो वो है यहाँ पे कादारमुम हिल्स, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कॉलेज को IIT का दर्जा दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए एकमात्र जो उत्तराखंड में ही है रुड़की में IIT, उसको यहाँ पर दिया गया है रुड़की विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो पुलित्जर जो पुरस्कार है ये अगर हम बात करें तो किस वर्ष से दिया गया था, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी देने की वो 1917 ईस्वी से हुई थी, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इसरो की स्थापना, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1969 से, बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हर साल 11 मई को मनाया जाता है, तो 11 मई को क्या मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार पूछा जाता है, वो है यहाँ पे बालिका दिवस, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कब किया गया था, तो ये किया गया था अगर हम बात करें तो यहाँ पे
तो वो है यहाँ पे 1979 को, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है, 17 अक्टूबर 1979 1979 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा दूसरा पूछा गया है, पहला तो आपको पता होता है बृहस्पति, दूसरा कौन सा है, तो वह है यूरेनस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न में सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो पहली महिला थी वो थी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा है, तो म्यांमार की मुद्रा जो होती है वो म्यांमार क्वात होती है। तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? तो सबसे छोटा जो देश है जनसंख्या में वो है यहाँ पे वेटिकन सिटी। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में लोकनायक शब्द का संबंध किससे है? तो लोकनायक का संबंध अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी साइट यूनेस्को में विश्व धरोहर को सूचित किया गया? तो वह यहाँ पे सुंदर वन नेशनल पार्क को। जल वाष्प संग्रहित होता है, तो ये किसके रूप में होता है? तो ये लेटेंट हीट यानी अव्यक्त ऊष्मा के रूप में होता है। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी यानी एड्स का जो कारण होता है वो किसकी वजह से होता है? एड्स जो होता है एक वायरस के, एचआईवी वायरस आपने सुना होगा, एचआईवी वायरस से जो होता है ये एड्स होता है। तो एचआईवी जो क्या है, एक वायरस ही है। निम्नलिखित में से कौन धातु मुक्त अवस्था में होती है? तो देखिए, मुक्त अवस्था में यानी किसी पर जो किसी गैस से या किसी से रिएक्ट नहीं करती है, तो सबसे पहले तो जो मुक्त धातु होती है वो आपकी गोल्ड होती है, सोना होती है, इसके अलावा कॉपर भी होती है। तो गोल्ड है नहीं ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर कॉपर सही दिया गया है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों का पालन करता है? तो वो केवल एक ही बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। और देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि अपनाया गया, तो अपनाया गया था ये 26 जनवरी 1949 को, और लागू हुआ था 50 को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप अपनाया गया पूछा है तो यहाँ पर सी, और लागू पूछता तो 50 में। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक उपयोग किया जाने वाला है? तो वो क्या क्या आता है परमाणु रिएक्टर में? वो है यूरेनियम। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा गया है, ना कि यहाँ पे शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस पूछता तब तो यहाँ पे हम बात करते, यहाँ तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में? तो वह है मौलाना अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा। नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है, तो किस नदी पर किया है? तो वह है यहाँ पे कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पे, बरमुंडा त्रिकोण स्थित है? तो यह है यहाँ पे पश्चिम उत्तर अटलांटिक महासागर में। तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा थे, तो वो कौन थे? तो उनका नाम है यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड। सी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, तो वो कौन कौन से हैं? स्थायी सदस्य की बात करें हम तो वो है यहाँ पे USA भी है, और फ्रांस और रूस और चीन। तो ये सभी हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। पुस्तक माय कंट्री माय लाइफ ये है लाल कृष्ण आडवाणी की, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नीली क्रांति स्थानक आपको पता होना चाहिए, मत्स्य पालन से। सी ऑप्शन सही है। और इसके अलावा है यहाँ पर, कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हुआ था पटियाली में, एटा जो कि पड़ता है। ए ऑप्शन सही दिया गया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक है यहाँ पर इब्राहिम लोधी। तो 72 का यहाँ पर आंसर बी है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें ए और बी में कन्फ्यूजन है, तो ज़रा इसको आप देख लें, कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आपको गलत लगता है तो। ये नेक्स्ट यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? तो वह है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी पश्चिमी घाट को जोड़ती है? तो कौन सी पहाड़ी है जो जोड़ती है यहाँ पर? तो वो है यहाँ पर विंध्य पहाड़ी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में चारकुला जो होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है ब्रज में, ब्रज क्षेत्र में। बी ऑप्शन सही दिया गया है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में अध्यक्षता की थी, तो ये किसने किया था? तो यहाँ पे अध्यक्षता की बात करें तो वो है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिहंद परियोजना कहाँ पर है? तो रिहंद परियोजना जो है ये आपको पिपरी जो कि पड़ता है, पिपरी के पास है, और यहाँ पे दिया नहीं था ऑप्शन में, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ललितपुर जिला।
तो ए ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट है सर, पड़ोसी की तमन्ना आपको पता उनकी किसकी है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की, डी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड, तो बी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ी माइका पाई जाती है, तो ये भारत में पाई जाती है, डी ऑप्शन सही है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो आपको पता उनसे चेचक की खोदे की टीके की जो खोज आविष्कार जो किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो आपको कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं पड़ता क्योंकि एडवर्ड जेनर ही इसका आंसर है, राइट। तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये देख सकते हैं। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर जिनके आंसर दिए नहीं हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर, जब आवृत्ति ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, तो 20 हर्ट्ज से अगर नीचे होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो दे सकते हैं यहाँ पे 20 हर्ट्ज से जब नीचे होती है आवृत्ति तो उसको हम सुन नहीं पाते हैं, तो उस प्रकार के को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, जिसको हम सुन पाते हैं उसको ऑडियो साउंड कहते हैं, उससे ज़्यादा हो तो अल्ट्रासोनिक, और ज़्यादा होती है अगर सबसे ज़्यादा 20 हर्ट्ज से ज़्यादा तो सुपरसोनिक। तो यहाँ पे 20 हर्ट्ज से नीचे पूछा गया है, तो नीचे के लिए यहाँ पे इंफ्रासोनिक सही है, बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, तो वो है यहाँ पर बोथ दोनों सही दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया दोनों के दोनों मानव के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ हैं ये उत्सर्जित। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम करता है, तो कौन सा है वो, तो वो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है फेफड़ा यानी लंग्स, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उस अंग के नाम बताइए जो मनुष्य के उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं, तो कौन से हैं वो, तो वो है यहाँ पर दो किडनी भी बनाते हैं, यूटेरस और मूत्राशय बनाते हैं, सभी के सभी बनाते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षा बिना बोझ के प्रति दिया था, ये किसने दिया था, तो ये दिया था यहाँ पर प्रोफेसर यशपाल ने, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था, तो ये किसके थ्रू दिया गया, तो ये दिया गया था डेनिस मुकवेग के द्वारा, ए ऑप्शन सही दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 2018 प्राप्त नीरज चोपड़ा संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हैं, तो ये हैं यहाँ पर एथलीट से, सी ऑप्शन सही दिया गया। भारत की सबसे गहरी घाटी, तो वह यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा गया है, शिक्षक दिवस नहीं पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर शिक्षक दिवस पूछता तो सर्वपाली राधाकृष्णन, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा गया है, इस पर आपको ध्यान देना था। इसका बी आंसर सही है, मौलाना अबुल अजल कलाम। और अगर केवल ये पूछा था कि शिक्षक दिवस, तब आपको पता होना चाहिए कि 5 सितंबर को सर्वपाली राधाकृष्णन के जन्मदिन बनाया था। तो इस प्रकार से आंसर इसका जो था वो बी ऑप्शन सही था, मौलाना अबुल आजाद कलाम। ऋषिकेश को जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे संतों के शहर के रूप में, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये है इंसेक्ट से यानी कीट के अध्ययन से। किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वो है यहाँ पे बेंगलोर। नेक्स्ट है पे NCTE का फुल फॉर्म, तो वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो डी ऑप्शन सही दिया गया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड है, उत्तराखंड कौन सा राज्य है भारत का, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये है 27वां राज्य, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की शासकीय भाषा है, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत है उत्तराखंड की। नेक्स्ट है पे Article 21 संबंधित है, तो ये किससे है, तो ये है सम्मानपूर्ण जीवन को जीने के अधिकार से, अगर 21 का ए आता तब वो शिक्षा का अधिकार से होता, लेकिन 21 पूछा गया केवल, तो ये है यहाँ पर बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रकाशित किया था, तो ये किसने किया था, तो EHRD ने करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो मानव संसाधन मंत्रालय यही करता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की राजधानी, अभी तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो हैदराबाद ही है, कुछ समय के बाद जो है वो अमरावती हो जाएगी, तब आंसर अमरावती लगाना, लेकिन अभी आपकी हैदराबाद ही है, तो ये ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, बर्ड ऑफ जूनो के नाम से जाना जाता है, तो वो है यहाँ पर मोर यानी पीकॉक को बर्ड ऑफ जूनो के नाम से भी जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही दिया गया। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था, इसके बाद सेकंड शिफ्ट का भी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम आपको यहाँ पर आंसर डालें तो आपको मिल जाए। इसके साथ ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सेकंड की जल्दी हम यहाँ पर लिंक डाल देंगे।